बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरे पास जे डॉट्स वालों का आर्टिकल है, इसका बॉर्डर कट करके पेज लगाना है। मेरे साथ रहिए और देखिए मैं किस तरह करती हूँ। तो इसका घेरा मैंने रखना है 28 से 30 इंचेस तक, क्योंकि ये ए लाइन शर्ट बनानी है। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 44 से 45 इंचेस, 44-45 इंचेस तक। अच्छा, इसकी जो प्रिंट है कुछ इस तरह से है कि और एक साइड ही लेंथ रखनी होगी और घेरा जो है वो किनारे की तरफ। तो जितना मुझे घेरा चाहिए वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो और एक साइड से कट करना है, फाड़ना नहीं है, और किनारे के साइड से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फाड़ने की लाइन को फॉलो करके यहाँ से लाइन ना हो तो। और दूसरी तरफ से ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फाड़ दिया, ये किनारा है। तो लंबाई के रुख से हम इसको फाड़ सकते हैं, लेकिन चौड़ाई के रुख से हम नहीं फाड़ सकते, कट करना होगा। अच्छा जी, इसको हमने अलग कर लिया है, इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। और ये बैक और फ्रंट है। तो इसकी जो प्रिंट है ये इस तरह से बनी हुई है, इसलिए हमने इसको लंबाई की रुख को लेंथ नहीं रखनी, बल्कि चौड़ाई की रुख लेंथ। तो पहले मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लेती हूं। लंबाई है वो घेरा होगा इस तरह से। ये मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, अब फ्रंट और बैक को मैं अलग कर लेती हूँ। तो मैंने इसको कट कर लिया है, अलग कर लिया है फ्रंट और बैक को। अब जो फ्रंट साइड है उसको मैंने प्रेस करके सेंटर निकालना है, ताकि निशान बन जाए और उस निशान के ऊपर मैं एम्ब्रॉयडर्ड पेज नेक जो है वो अटैच कर सकूँ। ये वाला पैच अटैच करना है। पैच से मैं पहले फालतू फैब्रिक जो है वो कट करूंगी। इसके बाद पैच के रॉन्ग साइड पे अच्छे से शावर करके प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जो पैच है वो बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ना वो अटैच होगा। इसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं है। प्रेस के साथ सेंटर निकाल के इसके ऊपर निशान लगा दिया है, ताकि ये जो नेक है राइट साइड ये इधर उधर ना हो। और अगर आप सेंटर के बाद निशान लगा दिया है, टेप या फिर यूज्यू भी लगा सकते हैं, ताकि ये जो पैच है ये इधर उधर ना हो। और पेन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन से इसको सिक्योर करूँगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सीधी लाइन है ना, यहाँ पे मैं फुट का यूज़ करूँगी, मैं मशीन का फुट नहीं उतारूँगी। और जब ये सीधी लाइन पे मैं कर लूँ तो ये गला जो है एक जगह बैठ जाएगा, और उसके बाद और मैं बाकी के पेज पे मैं एम्ब्रॉयडरी कर लूँ। सो काइंडली मेरे साथ रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लाइक करें, शेयर करें।
तो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको दिखाती हूँ, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैंने सारे धागे रिमूव कर लिए हैं अच्छे से। सो पहले रॉन्ग साइड पे अच्छे से शावर कर लें और उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लें, इसके बाद राइट साइड को अच्छे से प्रेस कर लें। देखिए किस तरह फिनिशिंग के साथ डन हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को हमने कैसे रिमूव करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सोल्डरिंग आयरन, इसको काविया भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डर होता है कि हमारी एम्ब्रॉयडरी जल जाएगी या शर्ट का फैब्रिक, तो मैं आपके सामने कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जल रही। लेकिन अगर कमीज़ का कपड़ा रेशमी टाइप होगा तो फिर एहतियात करनी होगी, बाकी एम्ब्रॉयडरी नहीं जलती। इसमें जस्ट एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को यूज़ करें तो बिल्कुल भी नहीं जलती। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल का विज़िट करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस, स्टोन वर्क के पैचेस भी शामिल हैं, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन। तो ये मैंने रिमूव कर लिया है, देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ डन हो गया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये पैचेस लगा हुआ या फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी हुई है।